मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 और बड़ी खास खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे 9 जनसभाएं। यूपी विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी पश्चिमी यूपी से प्रचार शुरू कर चुके हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल मजवा, कटहरी व फूलपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज से थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण की 43 सीटों पर चुनाव प्रचार अब चरम पर है। वहीं इन सभी सीटों पर आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि इन सभी सीटों के लिए जमकर चुनाव प्रचार किए गए थे। आज वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। वेस्टइंडीज बारबाडोस के ब्रिज टाउन स्थित कैसिंगटन ओवल मैदान पर 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड का सामना करने के लिए तैयार है। बता दें कि आज वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। वहीं वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच भारतीय समयानुसार 1:30 पर सुबह से शुरू होगा। आज मुख्यमंत्री योगी बरही में करेंगे सभा। बरही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरही प्रखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। बता दें कि इस जनसभा का आयोजन बरही विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार यादव के समर्थन में किया जा रहा है। पटना में आज नेशनल एजुकेशन डे पर शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। बिहार के पटना में आज देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षा दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा दिवस कार्यक्रम ज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। आज ओंकारेश्वर से शुरू होगी 50 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा। निमाड़ एवं मालवा के ग्रामीणों की आस्था और विश्वास से जुड़ी मां नर्मदा की 5 दिवसीय 49वीं धार्मिक ओंकारेश्वर नर्मदा लघु परिक्रमा पंचक्रोशी यात्रा आज से शुरू होगी। बता दें कि करीब 50 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा में हजारों श्रद्धालु ओंकारेश्वर से अंजरूत, सनावर, टोकसर, सेमरला, बड़वाह, सिद्धवर कूट होते हुए वापस 15 नवम्बर को ओंकारेश्वर पहुँच कर नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करेंगे। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच अब दिन में होगा। बिहार के पटना में आज से शुरू होने वाली वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अब नई समय सारणी के अनुसार दिन में होगा। बता दें कि पहले ये मैच शाम और रात में खेले जाने थे। वहीं अब पहला मैच 12:15 पर, दूसरा 2:30 पर और अंतिम मैच 4:45 पर खेला जाएगा। बिहार के नवादा में आज से होगी इंटर की सेटअप परीक्षा। बिहार के नवादा में निज प्रतिनिधि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार इंटर की सेटअप परीक्षा जिले में आज यानी 11 नवंबर से 18 नवंबर तक होगी। स्कूल प्रधानों को इंटर का रिजल्ट 25 नवंबर तक जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करना होगा। आज से वकील हर जिले में 2 घंटे के लिए सड़क जाम करेंगे। गाजियाबाद में जिला जज कोर्ट में 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों की हड़ताल लगातार 5वें दिन भी जारी है। कचहरी में शुक्रवार को वेस्ट यूपी के 22 जिलों के वकील जुटे। बार एसोसिएशन कक्ष में कुछ देर में वकीलों की बैठक शुरू हुई। इसमें तय किया गया है कि सोमवार से रोजाना वकील हर जिले में 2 घंटे के लिए सड़क जाम करेंगे। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक सड़क जाम करने का निर्णय लिया गया। आज होगा ITI राजनांदगांव में अप्रेंटिसशिप मेला। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगांव में आज अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि सुबह 9 बजे से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेले का आयोजन किया जाएगा। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज के दिन 1888 में स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का सऊदी अरब में जन्म हुआ था। आज के दिन 1924 में भारतीय रिजर्व बैंक के 14वें गवर्नर IG पटेल का जन्म हुआ था। आज के दिन 1973 में पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू हुई। आज के दिन 1982 में उमाकांत मालवीय प्रतिष्ठित कवि एवं गीतकार का निधन हुआ था। आज के दिन 2001 में दोहा बैठक में WTO ने भारत का समर्थन किया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।